के बाद अब नशीले पदार्थ ग्रामीण इलाकों में फैल रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में जिला स्तरीय मादक द्रव्य विरोधी समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय नशा मुक्ति समन्वय समिति की पहली बैठक में जिला कलेक्टर अमोल येडगे ने कहा कि गांजा की खेती करने वालों को कठोर कारावास दिया जाएगा। जिला स्तरीय नशा मुक्ति समन्वय समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल, प्रभारी उप समाहर्ता सविता चौधरी, जिला कृषि अधीक्षक नवनाथ कोलबकार, जिला सूचना अधिकारी मनीषा सावले, लोक निर्माण अधीक्षण अभियंता दीपक सोनतके, संध्या शेट्टे, विस्तार अधिकारी शिक्षा परिवहन निरीक्षक अक्षय सोलंकी उपस्थित थे। गांजा की खेती बिक्री और स्टॉक की जानकारी सभी विभाग एक दूसरे को दे ताकि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जा सके। भांग खेती के लिए क्या सजा है, इसकी जानकारी किसानों को देनी चाहिए। मरिजुआना एक प्राकृतिक औषध है। 20 किलो से कम गांजा ले जाने पर 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि 30 किलो से अधिक गांजा ले जाने या स्टोर करने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जिले में सिंथेटिक नशीले पदार्थों का परिवहन व वितरण भी किया जा रहा है। इस संबंध में जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और इस संबंध में स्कूलों और कॉलेज में जानकारी उपलब्ध कराने और छात्रों को नशीली दवाओं के सेवन से हतोत्साहित करने का निर्देश दिया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।